तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। अब ये वीडियो दो क्रू चैलेंज के मैचों की है। और यार क्रू चैलेंज का मतलब होता है कॉम्पिटेटिव मैच, और कॉम्पिटेटिव मैच में हर एक टीम को एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि आपको कहाँ उतरना है, कैसे सरवाइव करना है, क्योंकि इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है चिकन डिनर और साथ में किल। अब देखो यार, अगर आप लास्ट तक जिंदा रहोगे तो आपके भी ये किल तो कन्फर्म है कि किल तो मिल ही जाएंगे, लेकिन चिकन डिनर के लिए आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। क्योंकि यार अगर आप हॉट ड्रॉप करोगे तो भाई देखो, आपके एक न एक बंदे की पेटी बनना बिल्कुल तय है, इतना तो बिल्कुल कन्फर्म होता है। तो यार इसीलिए थोड़ा सेफ उतरते हैं हम लोग और ये स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भैया यहाँ से गाड़ी लेके आगे जाएंगे लिपोप का लूटने। पर कई बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है वही स्ट्रेटजी एक सामने वाली टीम भी बना लेती है, और तब दिक्कत की घड़ी आ जाती है। अब देखो यार, हमारे साथ यहाँ पे एक और टीम उतरी थी जो कि भैया हमारे नंबर टू के पास उतर गई थी गाड़ी लेने के लिए। तो नंबर टू ने एक बंदे को गाड़ी से तो पेल दिया था, पर बाकी बंदे उसके बच गए थे। तो हमने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिनिश करो और आगे की तरफ आओ, अपन को लिपोप का जाना है। पर तभी मुझे एक बंदा उड़ते हुए दिखता है जो कि भैया सामने की तरफ जंप करता है। अब देखो यार, उस बंदे को तो नॉक कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि भैया उसकी पेटी बनाते हैं, और फिर जो आगे एक और गाड़ी खड़ी है फोर व्हीलर, उसको लेके भैया यहाँ से निकल चलते हैं। पर यार तभी मेरा टीममेट कॉल देता है गाड़ी वाला कि भैया शेल्टर में कुछ बंदे हैं, और यहाँ से गलत सीन हो जाते हैं। अब उनके पास होती है भैया कि M4 और 6x4x जो भी हो, लेकिन हाँ सकोप तो था उनके पास। और भैया यहाँ पे मेरा रोहित गलती से पैदल वहाँ चला जाता है, और उन दोनों के पास अच्छी अच्छी गन है। तो भैया देखो, यहाँ पे रोहित की पेटी बन जाती है और हमारी टीम हो जाती है कमजोर। अब देखो, टीम कमजोर हो गई थी तो इसका एक ही चारा है भैया कि यहाँ से निकला जाए। लेकिन यार यहाँ से जब हम लोग निकलने लगते हैं तभी भैया वो फिर से सपरे करते हैं और उस पे मेरी 0 HP बचती है। और यार गाड़ी स्लो होने के बाद भी मैं जंप करता हूँ तो मैं नॉक हो जाता हूँ। पर हाँ, यहाँ पे एक चीज और सीखने को मिलती है कि अगर आपकी 0 HP बची है और भैया आप धोखे से नॉक हो गए तो रिवाइव होने के बाद आपकी 1 HP हो जाती है। तो हाँ यार, ये गलत सीन आज पता चला। फिलहाल देखो, यहाँ से फिर हम लोग निकलने लगते हैं क्योंकि वो बंदे अगर यहाँ पे भैया रश कर दिए तो पेटी बनना तय है और पूरा क्रू यहीं पे धरा का धरा रह जाएगा। तो हम लोग भैया यहाँ से चुपचाप निकलते हैं, और ऐसा ही आपको भी करना पड़ेगा अगर ऐसे गलत सीन हुए तो। फिलहाल देखो, यहाँ से निकलते हैं और काफी देर लूट लाट के मेंशन वगैरह लूट लाट के वापस आते हैं। और मैं सोचता हूँ भैया कि अभी अपने पास सकोप और नहीं है तो यहाँ पे सकोप लूट लिया जाए। अब देखो, जैसे ही सकोप लूटने के लिए यहाँ पे आते हैं उतने में ही पीछे से एक और गाड़ी आ जाती है, और वो गाड़ी डायरेक्ट आके मेरे घर के बाजू में रुक जाती है। तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। अब देखो यार, बड़ी मुश्किल में सकोप मिला था और अभी भी भैया लेवल 1 का बेस्ट है। तो मैं बोलता हूँ भैया पीछे जाया जाए, अपने टीममेट के साथ लड़ा जाए। अब यहाँ पे मैं समो करवाता हूँ और पीछे पहुँच जाता हूँ, और यहाँ से ये मैच स्टार्ट होता है। बस अब यहाँ से देखना, ये एक कॉम्पिटेटिव मैच ही लगेगा आपको। तगड़ा फेंक ले रहा है, गाड़ी से गाड़ी कहाँ खड़ी है, गाड़ी कहाँ खड़ी है। अब देखो, वो बंदे इतने चालाक होते हैं कि वो हमसे लड़ते नहीं है, वो सिर्फ एक काम करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि जोन आने वाला है, तो वो हमारी गाड़ी फोड़ देते हैं। अब उन्होंने हमारी गाड़ी फोड़ी और हम हो गए भैया यहाँ पे पैदल। और देखो यार, वैसे ही गलत सीन चल ही रहे थे और चलने लगते हैं, और वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ कि भैया पैदल ही जाना पड़ेगा, अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। पर उतने में ही पोचिंकी में एक गाड़ी दिख जाती है, तो इसके लेके हम आगे जाते हैं। पर यार यहाँ गलत सीन होंगे, देखो अब ध्यान से।
जो भी टीम दिखे तो भैया बान हाउस में वही टीम रहती है जो कि यार हमारी गाड़ी फोड़ के निकली थी और यहाँ पे अब उल्टा सीन होने वाला है क्योंकि यार अब वो फंस चुके हैं। गाड़ी देखना यहीं पे मार, गाड़ी यहीं पे मार 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 भाग रहे मार छुपा दी नहीं भाग देखो गाड़ी से धुआं निकल चुका था तो मैंने बोला भैया इनकी पेटी तो मैं बना के रहूंगा भले इन्होंने नहीं बनाई। और देखो यार फिर मैं फ्लैंक फ्लूंग करने की कोशिश करता हूं और इन लोगों से बोलता हूं कि तुम लोग यहीं पर रहना। अब देखो उनको मैं दो तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने की फुल कोशिश में हूं तो यार अब मजा आएगा। तो जॉन आ चुका है और देखो वो भागने वाले हैं। ओए सार्जिस M4 रेडी कर स्प्रे के लिए। पर तभी मेरा टीममेट नहीं भाई आप तो निकल जाएंगे ये भाई आप पे ही है आप ही स्प्रे करना निकलेंगे अभी मुझे सही है तू तो नूबड़े वो कर दे तुझे भाई मारो कर लेंगे वो मारो 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 वो होता है एक ना भाग रहा है एक भाग रहा है। अब देखो यार यहाँ पे मैं दो बंदों को तो निपटा देता हूँ पर एक बचा हुआ बंदा वापस जाता है और वो नॉक नहीं हो पाता और मेरे पास से 5 गोली बचती है M4 में तो मैं भैया यहाँ पे स्प्रे भी कर पाता। तो मैं बोलता हूँ भैया जॉन आ गया है तो चुपचाप यहाँ से निकल चलो और हम लोग भैया यहाँ से निकल जाते हैं और आ जाते हैं लास्ट जॉन की तरफ। अब यहाँ पे भैया देखो बेयर हाउस में कुछ बंदे होंगे ऊपर भी बंदे होंगे नेड़। अब यहाँ पे भैया हम लोग नेट ट्राई करते हैं पर वो लोग भी करते हैं बस देखते जाओ यहाँ पे। अब एक बंदा बमबूरा से नॉक हो जाता है तो मैं बोलता हूँ भैया रस कर दो यही मौका है। और भैया अंधी फायरिंग करके यार इनकी पेटी बना दी जाती है पर उतने में ही थर्ड पार्टी हो जाती है। ओजी भाई आपका एके में कुछ लगा है। अब मैं सोचता हूँ भैया कि आगे वाले घर में है तो बम बबूरा ट्राई किया जाए और देखो फिर नेड़ कर दो अंदर नेड़ कर दो पीछे भी नेड़ कर दो घर के छोटे वाले घर के पीछे बहुत हार फौजी भाई जोकर गया एक और नेड़ है। अब यार यहाँ पे मैं एक टीम को तो भैया बम बबूरे से ही निपटा देता हूँ पर उतने में ही फोर्थ पार्टी हो जाती है और ऊपर से बंदे भैया मेरे टीममेट को नॉक कर देते हैं। और यार यहाँ पे अब गलत सीन होंगे क्योंकि मेरा एक और टीममेट मारा जाता है। अब बचा हुआ एक टीममेट रहता है तो मैं भैया उसको जैसे तैसे रिवाइव करता हूँ और जॉन अभी उनके पक्ष में है तो भैया रिवाइव करके थोड़ी सी लूटलाट करके यहाँ से मैं निकलने की कोशिश करता हूँ। अब देखो पीछे की तरफ गाड़ी रहती है तो हम भागने लगते हैं और फिर भाग दे क्या हमारे ऊपर भैया स्प्रे होता है तो यार मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ यहाँ पे कि करूँ क्या। पर यार फिर मैं देखता हूँ कि भैया गाड़ी में ईंधन नहीं है तो पहले पेट्रोल डालता हूँ और फिर मैं अपना गेम प्लान लगाता हूँ कि भैया अब वहीं जाना है जहाँ से स्प्रे हो रहा था। तो मैं यहाँ पे पेट्रोल डालता हूँ और तैयार हो जाता हूँ क्योंकि यार देखो मुझे पता चल गया है कि वो बंदे अब डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं वो किसी और टीम से लड़ने लगे हैं। अब वो बंदे यही थे लेकिन ज्यादा ऊपर जा चुके हैं तो हम बोलते हैं भैया कि कोने टू कोने खेलो जोन के। तो यार मैं यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ पर उतने में ही मुझे लेफ्ट से फायरिंग आयरिंग की आवाज आती है तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाते हैं और देखते हैं फिर उनको भी। और एक चाचा दिख चुके हैं
मारो मारो फौज भाई मारो। अब देखो वहाँ पे जो फाइट हो रही थी उसमें सिर्फ भैया एक ही बंदा बचता है जिसको मैं निपटा देता हूँ, तो यार वहाँ की टीम भी खत्म हो जाती है और बचती है दो टीम जो कि आगे की तरफ है। फुल सेव कर लो, फुल सेव कर लो। अब यहाँ पे देखो तीन टीम रहती हैं जिसमें से एक टीम मैं पेल देता हूँ और बचती है एक लास्ट टीम और हमारी टीम, तो हम दो रहते हैं और वो चार। तो भैया देखो यहाँ पे कठिनाई हो रही थी तो मैं बोलता हूँ भैया फटाफट लूटो और गाड़ी को आगे लगाओ थोड़ा, क्योंकि जोन के आगे रहनी चाहिए गाड़ी क्योंकि कभी भी जाना पड़ सकता है। पर यार उतने में ही वो बंदे रसस कर देते हैं। अरे पूरा स्क्वाड है ना सामने भाई, बता दो। अरे राइट राइट राइट, बहुत सही। आया आया लेफ्ट से, बहुत सही, बहुत सही। अब देखो यहाँ पे तीन बंदे नॉक रहते हैं तो मैं बोलता हूँ भैया लास्ट बचा है तो तू आके रिवाइव हो जा, पर मेरा टीममेट कहता है कि पहले इसको फिनिश कर दो, तो मैं बोलता हूँ ठीक है भैया। अब देखो इसको फिनिश करे तब तक भैया वो दोनों रिवाइव हो गए, मतलब दो हो गए वो। तो यार यहाँ पे मैं अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ और मेरा जो एक और टीममेट होता है वो भैया ऑल में बात कर रहा होता है, तो वहाँ पे दोनों टीम के पक्ष में बात हो रही होती है। वो कहता भैया बम बबूरा फेंके जा रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ भैया वहाँ फेंके जा रहे हैं तो यहाँ जाऊँ, पर बमबबूरा भैया असली में यहीं फेंका जा रहा था और यहाँ पे मैं टीममेट से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। बहुत सही, ए रुक जा होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर, से देख रहा है वो लेटा हुआ है, लेटा हुआ है प्लेट से देख रहा है मेरे को, लेटा हुआ है। ओ ओए क्या करते है। अब देखो यार ऐसी सिचुएशन में कभी भैया अपने टीममेट को पैनिक मत करना, क्योंकि यार पैनिक करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे उससे बोलता हूँ रिवाइव मत करना मेरे को, मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। अब देखो यार यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट भी किया और मेरे टीममेट ने काम भी कर दिया और इसी के साथ देखो चिकन डिनर भी हो जाता है और कम से कम भैया 20 लोग ये मैच देख रहे थे तो मजा भी काफी आ गई। फिलहाल देखो ये चिकन डिनर हो गया है, लेकिन यार जब हम लीडर बोर्ड में देखते हैं तो भैया हमारी टीम टॉप 100 में भी नहीं आती जबकि पहला मैच ही जीत गया थे, क्योंकि यार जो टीम फर्स्ट रैंक में थी उसके भैया एक मैच में 60 किल थे, मतलब 80 बंदे रहते हैं उसमें भी 60 किल उनके। तो मैं यहाँ पे समझ जाता हूँ कि हैकर वाली कहानी है, तो मैं बोलता हूँ भैया हॉट ड्रॉप करो, ज्यादा से ज्यादा किल निकालो। तो हम नोवो आ जाते हैं और यहाँ पे दो टीम और आ जाती है। अब देखो यार यहाँ पे जो दो टीम उतरती हैं उसमें से भैया एक टीम निपटाई जाती है, मतलब उसके दो बंदे निपट जाते हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि भैया इनके पास अच्छी अच्छी गन आ गई है, तो मैं बोलता हूँ भैया फॉल बैक करके पहले लूट लूट लो, क्योंकि बेस्ट हेलमेट कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तो भैया बेस्ट हेलमेट लूटते हैं और यार जब वापस इनके ऊपर रश करते हैं तब पता चलता है ये चाचा लोग भैया फ्लैंक फ्लूम करके घर तक पहुँच चुके हैं और वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। अब देखो चाचा स्प्रे देते हैं और पूरे चारों के चारों बंदे भैया एक ही जगह पे कवर में बैठे हैं। तो मैं बोलता हूँ भैया कि गलत सीन हो सकते हैं, तो यार अपन भी भैया कैंप करते हैं थोड़ा देर। और तब भैया मुझे एक बंदा दिख जाता है जो कि रोड क्रॉस कर रहा है। अब यार वो लोग काफी देर तक कैंपिंग खेल रहे होते हैं, तो मैं बोलता हूँ भैया आगे की तरफ रस करो, और तभी एक बंदा उनका नॉक हो जाता है। अब बंदा नॉक हुआ है तो भैया उसका टीममेट जो रोड के उस पार रहता है वो उसको रिवाइव करने के लिए आता है। और यहाँ पे अब दो बंदे निकल चुके हैं। अब यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बताता हूँ कि भैया राइट से तुम जाओ, राइट से फ्लैंक करो, क्योंकि बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है और यार वो फ्लैंक भी करता है और फिर भैया इस टीम को निपटाने में मदद मिल जाती है। तो यार इस टीम को भी पेल दिया जाता है, पर यार देखो जैसे ही इस टीम को पेलते हैं
तो थोड़ी देर बाद एक और टीम रश करने जाती है पता नहीं कहां से। तो भैया हम लोग यहां से पेटी टी लूटते हैं और उतने में ही पता चलता है कि एक और टीम रश कर दी है। तो मैं भैया अपनी कार 98 लेके वापस आता हूं और तभी मुझे एक पहाड़ी में बंदा दिख जाता है। अब उसको नॉक करते हैं तो मैं बोलता हूँ भैया फ्लैंक फ्लूंग करके इसको पेलने के लिए जाया जाए, पर यार फिर पता चलता है कि इसके टीममेट भैया भाग चुके हैं और वो भी रिवाइव होके निकल चुका है क्योंकि नॉक हो गया था। तो यार वो डर गए थे और निकल जाते हैं आगे की तरफ। तो फिर मैं सोचता हूँ भैया कि अपन को भी निकलना चाहिए और यहाँ पर मैं समझ जाता हूँ कि यार वो बंदे ब्रिज कैंप कर रहे होंगे। तो मैं पानी के द्वारा निकलता हूँ आगे की तरफ और आ जाते हैं भैया इस स्क्वाड हाउस के पास और यहाँ पे एक टीम होती है। अब देखो ये इस टीम की कैंपिंग देखो आप बस। अब देखो यार उनके दो बंदे नॉक तो कर दिए थे पर भैया उन्होंने गाड़ी लगा दी थी तो यार हम लोग रस नहीं कर सकते थे। तो बम बबूरा ट्राई करते हैं यहाँ पे। अब यार यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि भैया सीढ़ियों में बैठा होता है और वो डीटी को यहाँ पे नॉक कर देता है। तो मैं बोलता हूँ भैया सीढ़ी में मत जाना गलती से। देखो यार काफी देर तक बम बबूरा चल रहा था और कैंपिंग भी तगड़ी चल रही थी तो मैं यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखता हूँ, पर उतने में ही वो बंदे भैया यहाँ पे समूह कमूक करने लगते हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि चाचा लोग भैया रस के मूड में हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग तैयार हो जाते हैं उनके रस के लिए। देखो यहाँ पे अंधे फायर से एक दो बंदों को तो नॉक कर देते हैं पर एक बंदा होता है भैया जो कि सीढ़ियों में होता है और वो मेरे को नॉक कर देता है, पर यहाँ पे मेरा टीममेट उसको फिनिश कर देता है और भैया इसी के साथ ये स्क्वाड वाइप हो जाती है। तो यार फटाफट पट्टी लगाते हैं और थोड़ी सी लूट लाट करके आगे की तरफ निकलते हैं क्योंकि जोन हमारे फेवर में नहीं है अभी। तो अब हम आगे आ जा चुके हैं और यहाँ पे जब हम आते हैं तो भैया मुझे एक गाड़ी आती हुई दिखती है आगे से। अब देखो ये लोग आते इसलिए हैं क्योंकि भैया जोन हमारे पक्ष में बना होता है, पर यार आपको भी पता है कि ज्यादा देर तक भैया जोन हमारे पक्ष में नहीं बन सकता यार, पुरानी दुश्मनी है। पर फिलहाल एक और टीम जाती है। इस टीम का एक बंदा नॉक हो जाता है और बचा हुआ एक बंदा रहता है तो यार उसको भी जाके पेलते हैं। तो फाइनली इस टीम को भी निपटा दिया जाता है, पर यार जब इस टीम को निपटाते हैं तभी भैया पीछे से सर्जेस के ऊपर अटैक होता है। और उसको एक बंदा नॉक कर देता है। अब यहाँ पे भैया गलती सर्जिस की ही रहती है कि तुम वहाँ पे कर क्या रहे थे, पर यार जो वो बंदा रहता है वो अकेला रहता है तो भैया वो भाग जाता है और हम यहाँ पे सर्जिस को जैसे तैसे समूह के द्वारा बचा लेते हैं। अब वो बंदा आगे की तरफ जा चुका है तो हम भी बोलते भैया कि आगे जाया जाए क्योंकि वहां पे दो टीम लड़ रही है तो किल अच्छी खासी मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे बम बबूरा ट्राई करता हूँ। जिससे एक बंदा फट भी जाता है और बची हुई एक और टीम रहती है आगे।
तो फाइनली यार इस टीम को भी निपटा दिया जाता है, पर यार उतने में ही मेरे को एक बंदा दिखता है। चार बचे हैं। Enemies ahead. अब देखो यार वो चाचा घर तक तो पहुंच जाते हैं बच्चों के, पर यार घर में भी एक और टीम होती है जो कि उनको पेल देती है। और यार अब देखो जो जोन बना है वो घर में ही बना है, तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो गई है। तो यार फिर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनाता हूँ, वो ये कि भैया देखो अगर घर में तीनों बंदे हैं और वो कैंप कर रहे हैं, तो यार हम लोग अगर यहाँ से रश करेंगे उनके ऊपर तो वो भैया पेटी बना देंगे हम सबकी। तो मैं बोलता हूँ भैया चारों तरफ फैल जाओ, और अगर एक बंदे की पेटी भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तीन अभी भी बचे रहेंगे। तो भैया हम यहाँ पे समो कमो करते हैं। और समो करके भैया चारों तरफ फैल जाते हैं, पर उतने में ही पता चलता है कि एक बंदा भैया सैक में बैठा हुआ था जिसको डीटी नॉक कर देता है, और वहां पे दो बंदे रहते हैं और बचा हुआ अभी एक लास्ट बंदा बचता है जो कि इस घर में है। तो देखो यार क्या ही निपटाते हैं इसको। तो यार फाइनली देखो इस स्ट्रेटजी से एक और चिकन डिनर हो जाता है। लेकिन यार यहाँ पे गलत सीन ये है कि भैया क्रू चैलेंज में हैकर भर भर के आते हैं और वो 60-70 किल हर मैच में करते हैं, तो यार टॉप 100 में आना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया था। तो हम समझ गए थे भैया कि कितनों मैच जीत लो इनसे नहीं जीत सकते। पर आई होप आपको ये मैचेस अच्छे लगे होंगे, और भैया PMCO वगैरह में यही मैचेस खेले जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार प्लीज एक लाइक कर देना, सिर्फ एक लाइक की गुजारिश है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।